ऐसा कभी कभार होता है कि जब हम कोई सीरीज़ या मूवी देखते हैं तो हम कहते हैं कि भाई साहब ये तो परफेक्ट है। हालांकि देयर इज नथिंग परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन ये जो परफेक्शन का क्षेत्रफल होता है, कुछ चीज़ें उसके बहुत दूर रहती हैं और कुछ चीज़ें बिल्कुल करीब। एंड सोनी लिव पे रॉकेट बॉयज सीजन 2 के लिए भी मैं ये सेम चीज़ कहना पसंद करूँगा। रॉकेट बॉयज जो कि बेस्ड है हमारे इंडियन साइंटिस्ट होमी जे भाभा एंड विक्रम साराभाई की लाइफ के ऊपर, एक सरियल एक्सपीरियंस जहां तुम विटनेस करोगे इंडिया के टू ऑफ द ग्रेटेस्ट माइंड्स की वो जर्नी जिसने इंडिया को एक न्यूक्लियर पावर बनाया, और कहीं ना कहीं उनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन आज की डेट में हमारे देश को ग्लोबल पावर इक्वेशन और मॉडर्न वॉरफेयर में बाकी देशों से कंधे से कंधा मिलाने के श्रेष्ठ रखता है। सीजन 1 में हमने जो कुछ भी देखा और एक्सपीरियंस किया उस एक्सपीरियंस को सीजन 2 रिटेन करता है और उसी के ऊपर कुछ एडिशंस करके इसे एक लेवल ऊपर भी ले जाता है। Which is one of the rare cases जहाँ पे एक sequel equally good नहीं बल्कि better है अपने predecessor से। And इस point पे it is absolutely safe to say that Rocket Boys is one of the best biographical web series ever made in India. लेकिन रॉकेट बॉयज को इतना स्पेशल और इतना बेहतरीन आखिर बनाता क्या है, एंड क्यों ये बाकी बायोग्राफिकल सीरीजेस से स्टैंड आउट करता है? हालांकि बाकी बायोग्राफीज की तरह ये भी अपने सोर्स मटेरियल से एंटायरली ट्रू नहीं है, क्रिएटिव लिबर्टीज ली गई हैं, फैक्ट्स और फिक्शन को मिक्स किया गया है, बट फिर भी व्हाई डज इट फील सो डिफरेंट एंड परफेक्ट? वेल, इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसका नैरेटिव, जो कि दो ऐसे इंसानों को दिखाता है जिन्होंने कोई छोटा काम नहीं किया है, बेसिकली इंडिया के फ्यूचर को वीव किया है, और इस चीज के लिए ये शो उन्हें प्रॉपर ग्लोरिफिकेशन भी देता है, लेकिन उस अंदाज में नहीं जैसे तुम आज तक देखते आ रहे हो, बल्कि कुछ अलग अंदाज में। एक साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ उन्हें ह्यूमनाइज भी करती है और उनके लाइफ के उस पहलू को दिखाती है जो कि उनके अचीवमेंट्स या अकोलेट्स के पीछे थी, द थिंग्स दैट मेक्स देम एज ह्यूमन एज वी आर, और हमें रियलाइज कराता है कि हमारी तरह ये भी इम्परफेक्ट ह्यूमंस थे, बस फर्क इतना था कि उन्होंने अपनी वीकनेसेस को अपने विजन के आड़े नहीं आने दिया। यूजुअली बायोपिक्स तो बहुत बनती हैं, लेकिन जिनके ऊपर बनती है उस फिल्म में उनके कैरेक्टर को जैसा दिखाया जाता है वो कहीं ना कहीं उसी इमेज से कॉरेस्पॉन्डिंग होता है जिस इमेज को हम मीडिया के थ्रू देखते और जानते हैं, या फिर जो उन्होंने अपने मुंह से हमें बताया है। वी फील नथिंग डिफरेंट बिकॉज जिस तरह का इंसान हमें स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है हम ऑलरेडी उससे वाकिफ है, एंड यही वो एस्पेक्ट है जहां पे रॉकेट बॉयज टोटली अलग हो जाता है। फिर चाहे वो होमी जे भाभा का केयरफ्री और सोशली डोमिनेंट कैरेक्टर हो जो कि दुनिया के सामने द होमी जे भाभा है, लेकिन उसके अंदर अपने ही टर्मोइल्स चल रहे हैं जिसे वो किसी के भी सामने जाहिर नहीं करता क्योंकि उसे ऐसा लगता है दैट विल मेक हिम लुक वीक, या फिर विक्रम साराभाई जैसा डिसिप्लिन्ड एंड टिमिड कैरेक्टर हु हैज द कैपेबिलिटी एंड द स्ट्रांग इंटेंट टू चेंज द फ्यूचर ऑफ हिज कंट्री, लेकिन लाइफ में कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां उनके जैसा जीनियस भी खुद के ऊपर डाउट करने लगता है कि क्या उन गोल्स को वो अचीव कर पाएगा जो वो करना चाहता है। एंड ये चीजें देख के एक बार को हम सोचते हैं कि अल्फा मेल जैसा कुछ भी नहीं होता, या फिर सेल्फ डाउट एक बुरी चीज नहीं है बल्कि एक अच्छी चीज है इन ऑर्डर टू कीप अस गोइंग, क्योंकि अगर अपनी काबिलियत पे शक नहीं करोगे तो उसे आजमाओगे क्यों। तुम्हारा परसेप्शन होमी जे भाभा और विक्रम साराभाई के लिए मेयरली दो जीनियस साइंटिस्ट तक सीमित नहीं रह जाता है, यू स्टार्ट टू सी देम बियॉन्ड दैट, समवन जिसे तुम कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हो या कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हो। जैसा मैंने कहा, दिस सीरीज ट्राइज टू शो द मोर इंटीमेट एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ टू ग्रेट पीपल डेवलपिंग देयर कैरेक्टर थ्रू आउट द सीरीज विद सम सब प्लॉट्स। ये चीजें सीजन 1 में भी प्रोमिनेंट थी और सीजन 2 में भी कंटिन्यू रही। वी गेट टू टेक अ डाइव इनटू द लाइव्स ऑफ होमी जे भाभा एंड विक्रम साराभाई, जो उनकी रिसर्च एंड विजन से थोड़ी दूर एग्जिस्ट करती है, उनकी दोस्ती, उनके रिलेशनशिप्स एटसेट्रा। एंड ये चीज काफी व्यूअर्स को पसंद नहीं आई थी, उनके हिसाब से इन चीजों की जरूरत नहीं थी और इन्हें हटा के उनके साइंटिफिक वेंचर्स पे और ज्यादा फोकस डाला जा सकता था, बट हियर आई वुड लाइक to strongly disagree because these subplots are pivotal to the series as well as to the character development of our protagonist. और मैं ये नहीं कह रहा कि ये historical या factual point of view से सही है, लेकिन अगर तुम cinematic point of view से देखो, narrative point of view से देखो, तो ये बहुत बहुत important है because we get to see that how everything that happens in the lives of Homi Bhabha and Vikram Sarabhai outside the world of science somewhere adds a lot of weight to the things they do and the decisions they take. जैसे कि Homi Bhabha की love life कहीं ना कहीं उनकी thinking को influence करती है regarding war and peace. Where he believes that atom bomb is the absolute necessity with regards to the future and safety of India and peace is not an option. हम देखते हैं सीजन 1 में कि कैसे होमी भाभा पिप्सी नाम की लड़की से प्यार करते हैं बट उसकी शादी एक आर्मी मैन से हो जाती है because things don't work out between होमी भाभा and पिप्सी. And then season 2 में पिप्सी का हस्बैंड इंडिया पाकिस्तान वॉर में मारा जाता है एंड विक्रम साराभाई टेल्स होमी भाभा दैट ही कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ हिज एटम बॉम्ब वेंचर क्योंकि उसने देखा कि कैसे वॉर ने पिप्सी की फैमिली तबाह करी एंड ही डज नॉट वांट टू ऐड टू दिस डिस्ट्रक्शन बाय हेल्पिंग होमी बिल्ड एन एटम बॉम्ब। होमी भाभा इस चीज से पहले अग्री नहीं करते बट एज द टाइम पासिस ही रियलाइजेज दैट एटम बॉम्ब बनाया भी जा सकता है एंड एट द सेम टाइम पीस भी मेंटेन करी जा सकती है
बिकॉज अंदर ही अंदर होमी इज अफेक्शनेट फॉर पिप्सी, एंड इस अफेक्शन ने होमी को दुनिया का वो दूसरा पहलू दिखाया जिसे वो हमेशा से डिनाई करता आ रहा है। एंड देन वी सी टू फ्रेंड्स जिनके ख्यालात और व्यूज दुनिया को लेके बिल्कुल अलग हैं, और इस चीज के चलते उनके बीच फ्यूड्स भी होते हैं, बट एट द एंड दे बोथ एक्सेप्ट ईच अदर्स व्यूज। एंड वो रियलाइज करते हैं कि भले जो चीजें वो चाहते हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन कोई भी एक चीज दूसरे से कम इम्पोर्टेंट नहीं है, एंड बैलेंस बनाने के लिए दे बोथ नीड टू कोएग्जिस्ट। अब क्रिएटर्स चाहते तो जस्ट लाइक दैट ओवर द टाइम इस एक्सेप्टेंस को दिखा सकते थे, बट विद द प्रॉपर यूज ऑफ सब प्लॉट्स इस चीज में थोड़ी सी डेप्थ ऐड होती है और एक सिस्टमैटिक कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, और इन सब प्लॉट्स का इंपॉर्टेंस भी समझ आता है। एंड दिस इज द सेम रीजन कि जब सीजन 1 के एक साल बाद जब सीजन 2 में तुम इन कैरेक्टर्स को वापस देखते हो तो तुम्हें एक सेकंड भी नहीं लगता टू गेट यूज्ड टू देम, एज इफ वो कभी गए ही नहीं थे, क्योंकि तुमने इनकी लाइफ को बहुत करीब से सीजन 1 में देखा है। एंड विदाउट यू इवन रियलाइजिंग तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें जानते हो, वो जो बोल रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं, तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों है, और जब उनकी डेथ हो जाती है तो तुम उन्हें मिस भी करते हो, और उनके जाने के बाद जो सिचुएशंस आती हैं तुम वहां पे अपने आप से सोचते हो कि काश होमी जे भाभा और विक्रम साराभाई यहां होते तो क्या ही बात होती, सिमिलर टू हाउ यू डील विद पीपल इन रियल लाइफ। अगर यही चीज सिर्फ और सिर्फ उनके साइंटिफिक वेंचर्स तक सीमित रहती तो ये लेवल ऑफ कनेक्टिविटी अचीव ना हो पाती, और शायद ये सीरीज उतनी ज्यादा एंगेजिंग भी ना हो पाती। जो सीरीज के एंड तक तुम्हारे अंदर अमेरिकन के लिए नफरत, अपने देश के लिए प्यार, और इन दो महान लोगों के लिए जो इज्जत बढ़ती है वो इन्हीं सब प्लॉट्स का नतीजा है, बिकॉज यू फील अ कनेक्शन टू दीज पीपल रादर देन नोइंग देम फॉर जस्ट देयर अचीवमेंट्स। स्टोरी टेलिंग जैसा कोर एस्पेक्ट जो कि ये डिफाइन करता है कि एक प्रोडक्ट कितना अच्छा या बुरा है, एक अच्छे वर्ल्ड बिल्डअप के बिना वर्क नहीं कर सकता। एंड दिस इज अनदर डिपार्टमेंट वेयर रॉकेट बॉयज हिट्स इट आउट ऑफ द पार्क। ये सीरीज एक टाइम मशीन है विच टेक्स यू बैक टू द एरा ऑफ 60s टू बी अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, और अवेयरनेस क्रिएट करती है ना कि सिर्फ हमारी साइंटिफिक बल्कि पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए भी। टॉप नॉच डायरेक्शन के साथ साथ इतनी अच्छी रिसर्च और उसको स्क्रीन प्ले में ब्लेंड करना लीव्स एन इम्पैक्ट एंड प्रेजेंट्स यू विद अ मिरर जहां सब कुछ क्लियर दिखता है, एंड विद एवरी सीन इट बिकम्स मोर थॉट प्रोवोकिंग, इंटेंस एंड मेटिकुलस, एंड तुम सोचोगे कैन इट गेट एनी बेटर। वो जो बोलने का तरीका, दैट कॉस्ट्यूम्स, दो सेट डिजाइंस विद रिस्पेक्ट टू द हिस्टोरिकल एक्यूरेसीज, जिम सार्प एंड इशवाक सिंह के परफॉर्मेंसेज होमी जे भाभा और विक्रम सारा भाई को स्क्रीन पे वापस जिंदा कर देते हैं, बी इट इन टर्म्स ऑफ लुक्स और इन द एक्ट इटसेल्फ, एंड नॉट टू फॉरगेट दैट ईच एंड एवरी एक्टर नेल्स देयर कैरेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड वी आर शोन। वो रेडियो ब्रॉडकास्ट जो शायद तुम्हारे पैदा होने से पहले बंद हो चुके, वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जिसमें कृषि विज्ञान का प्रोग्राम चल रहा है, इनमें से कोई भी चीज तुमने ना देखी है और ना ही इस्तेमाल की है, बट द सीरीज लीव्स नो स्टोन अनटर्न टू मेक यू फील थ्रू वॉट यू आर वॉचिंग एंड अ ट्रिप डाउन टू द सिंपलर टाइम। इस सीजन के एंड में एक डायलॉग है, एक ट्रू लीडर अपने देश को उस वक्त के लिए तैयार करता है जब वो खुद ना हो, एंड दिस लाइन समराइजेस द एंटायरिटी ऑफ बोथ सीजंस ऑफ रॉकेट बॉयज, जहां दो लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी देश की बेहतरी में लगाई, एंड अफसोस दैट दे डिड नॉट गेट टू सी देयर ड्रीम्स कम ट्रू व्हाइल दे आर अलाइव, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी लेगेसी छोड़ के गए जिस लेगेसी पे आज हमारे भारत के स्पेस प्रोग्राम और न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी गई, और उसमें हम इतने आगे निकल चुके हैं कि शायद ऊपर से होमी जे भाभा सर और विक्रम साराभाई सर देख के स्माइल जरूर कर रहे होंगे। ये सीरीज तुम्हें हंसाती है, रुलाती है, एंड एट द सेम टाइम गर्व महसूस कराती है अपने देश पे। देश प्रेम को एक जिंगोइस्टिक नहीं रियलिस्टिक वे में तुम्हारे सामने रखती है। आज के टाइम पे जहाँ पेट्रियोटिज्म एक बजवर्ड है, वहाँ रॉकेट बॉयज उसे ट्रूली एम्बॉडी करती है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तुम कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे क्या थॉट्स हैं शो के बारे में, और हाँ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, और जो मैंने बाकी वीडियोस बनाई हैं उन्हें भी चेकआउट कर लेना। टिल देन दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ, वी विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।